तो पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला कतलकांड विच वांटेड जिहड़े कि शार्प शूटर जिहड़े कि बीते कल इत्थे उन्हां दा एनकाउंटर किया गया। तुहानूं दिखा रहे हैं गाँव भकना कलां जिससे कि सीधियां तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं क्योंकि ये हवेली तुसीं देख रहे हो जिथे कि वह लुक के बैठे हुए सी। पुलिस नूं इनपुट मिली सी तो उस तो बाद पुलिस वल्लों ये सारे पिंड की घेराबंदी की गई सी। तो उस तो बाद करीब करीब 4 to 5 घंटे जिहड़ा कि एनकाउंटर विच गोलियां चलियां सीगियां। ते उस तो बाद दोवें जिहड़े शार्प शूटर सीगे जगरूप रूपा ते मनप्रीत मनु वो ढेर कर दिए गए सीगे। ते पर फिलहाल हाले तक जिहड़ा भी एक कोठी का आसे पासे का इलाका है वह पुलिस ने अपने घेराबंदी विच लिया होया। ते मीडिया नूं भी अगे जाण दी इजाजत जिहड़ी उह नहीं दित्ती जा रही। तुसीं देख सकते हो पुलिस दीआं ते फोरेंसिक जांच दीआं टीमां जिहड़ियां उत्थे मौके ते मौजूद ने ते फोरेंसिक जांच जिहड़ी उह कीती जा रही है क्योंकि लगातार सिद्धू मूसेवाला कतलकांड तो बाद पुलिस जिहड़ी है इन्हां गैंगस्टर दे पिछे लगी हुई सी और अपनी लोकेशन बदल बदल के जिहड़े कि रह रही सी तां जो पुलिस दे हत्थे ना चढ़ सकन। पर कल एक वड्डी इनपुट मिलती है पुलिस नूं भी ये जिहड़े भकना कला एक जिहड़ी बंद पई कोठी है काफ़ी सालों तो बंद पई कोठी है जिथे उत्थे कि लोके बैठे हुए सी की मनसूबे सी ये ते हजे आने वाला समा ही जांच तो बाद ही पता लगेगा भी की मनसूबे सी। शायद क्योंकि बार्डर भी जिहड़ा इत्थों करीब करीब 10 किलोमीटर दूर है किते बार्डर पार करन दी फिराक विच तां नहीं सी क्योंकि लगातार पंजाब पुलिस जिहड़ी इहनां दे पिछे लगी हुई सी। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे दौरान जदों चर्चा विच आए सीगे तो उस तो बाद लगातार ये पुलिस दे रडार ते सीगे जगरूप रूपा अते मनप्रीत मन्ना जिहड़े कि लगातार पुलिस दी गिरफ्तारी तो बचदे आ रहे सी। ते और कल जिहड़ी कि एनकाउंटर किया गया पर उस दौरान बहुत सारियां गोलियां जिहड़ियां चलियां ने इन्नी असला इन्ना बारूद जिहड़ा वो अपने नाल कैरी किस तरह करके लै जा रहे सी वड्डा सवाल है। और इतों तक पहुँचे सके और करीब करीब इतों 10 किलोमीटर दूर जोड़ा वो बार्डर का इलाका है तो हुण भी अजे भी सर्च जी की जा रही है ब्लैक कैट कमांडो और पुलिस जो फोरेंसिक टीम जी सर्च कर रही है भी शायद कुछ होर कोई चीज़ जी बरामद ना हो जाए। तुम दस दिए AK-47 ने तो एक पिस्टल के नाल एक बैग भी जोड़ा वो पुलिस को बरामद होया। लगातार पुलिस अधिकारी भी इतने पहुँच रहे हैं तलाशी ली जा रही है सारे इलाके की सर्च की जा रही है। तो तस्वीरें तुम दिखा रहे हैं भकना कला खुरद जिहड़ी कि अमृतसर तो करीब 20 किलोमीटर परे है बार्डर वालू है जिथे कि बीते कल दो शार्प शूटर जिहड़े कि सिद्धू मूसेवाला कतलकांड वांटिड सीगे वो इत्थे आके लुकदे ने पनाह लैंदे ने। तो उस तो बाद पुलिस नूं इसकी जानकारी मिलती है तो सारे पिंड का घेराबंदी जिहड़ी की जाती है। तो उस तो बाद करीब करीब 4 to 5 घंटे जिहड़ा कि आपस में दोवां गुटां दरमियान गोलियां चलदियां ने ते दोवें जिहड़े कि शार्प शूटर सीगे उन्हां नूं मार सुट्टे जांदा है। ते लगातार हुण इत्थे वड्डे अधिकारी भी पहुँच रहे ने बहुत सारियां जांच दीआं चीज़ां ने जिहड़ियां कि हुण जांच जिहड़ी कीती जा रही है। ते तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं ब्लैक कैट कमांडो ने फोरेंसिक टीम दीआं गड्डियां तुसीं देख सकते हो पुलिस दी गड्डियां भी अधिकारी भी जिहड़े कि हुणे हुणे SSP जिहड़े इत्थे हो के गए ने ते लगातार जांच कीती जा रही है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला एक वड्डा पंजाबी सिंगर सी वड्डा नाम सीगा ते उसके कतल विच ये दोवें जिहड़े कि जगरूप रूपा ते मनप्रीत मन्ना कुस्सा जिहड़ा सीगा वो वांटिड सीगे। ते बीते कल इत्थे एनकाउंटर होया ते वो दोवें शार्प शूटर जिहड़े सीगे उन्हां नूं पुलिस वल्लों मार सुट्टिया गया। तो फिलहाल हजे भी पुलिस वल्लों इस सारे इलाके की घेराबंदी की गई है और हर बरीकी नाल जिहड़ी कि हर चीज़ की इत्थे जांच की जा रही है किस तरह वो इत्थे पहुंचे सीगे क्योंकि करीब करीब 10 किलोमीटर दूर इतने बार्डर है की उन्हों की मंशा सी हर सवाल का जवाब लभन की कोशिश जी पुलिस इतने जरूर कर रही है और फोरेंसिक टीम की जी इतने मौजूद है हर चीज़ की जी बरीकी खंगालिया जा रहा है। तुम दिखाना चाहवागा बिल्कुल सीधिया तस्वीरें जीडिया कि जिथे कि कोठी विच पनाह लई सी दोवां जिहड़े कि गैंगस्टर सीगे जगरूप रूपा मनु कुसा जिहड़े कि इत्थे करीब करीब 4 to 5 घंटे जिहड़े कि एनकाउंटर होया उस तो बाद उन्होंने मार सुट्टिया गया कई हज़ारा फायर जिहड़े ने होए ने। तो उस तो बाद लगातार पुलिस वालों पहले सरेंडर करन दी उन्होंने अपील भी की जा रही थी पर सरेंडर नहीं किया गया उन्होंने वालों लगातार गोलियां चलाईया जा रही सी। वो मुकाबले में दोवें जिहड़े ने वो मारे जा चुके थे अज उन्हों का पोस्टमार्टम जिहड़ा सिविल होस्पिटल अमृतसर भी हो रहा है। तो ये जिहड़ा स्पॉट है भकना कला का खुरद का स्पॉट है जिथे कि तुहानूं तस्वीरां सीधियां दिखा रहे हैं पुलिस जिहड़ी कि है लगातार छानबीन विच ड्यूटी हुई है। बीते कल जिहड़ा कि एक एनकाउंटर होया जगरूप रूपा अते मनु कुसा जिन्हां नूं मार सुट्टिया पुलिस वल्लों ते हाले भी पुलिस ने इस इलाके की जिहड़ी सर्च जिहड़ी शुरू की हुई है।
लगातार तुसी देख सकते हो अपने तस्वीरां ते पुलिस अते फोरेंसिक टीम जिहड़ी है आसे पासे इलाके दी जिहड़ी उह सर्च कर रही है, हर क्लू हर एंगल ते जांच की जा रही है। पकना कलां जिथे कि बीते कल एनकाउंटर होया और सिद्धू मूसेवाला कतलकांड विच वांटिड दो जिहड़े गैंगस्टर सीगे जगरूप रूपा ते मनु कुसा, जिन्हां नूं कल बीते कल पुलिस वालों मार सुट्टिया गया ते हुण लगातार पुलिस दे वड्डे अधिकारी इत्थे पहुँच रहे ने और हर एक चीज़ जिहड़ी है वह खंगालन विच पंजाब पुलिस जुटी हुई है। कैमरा परसन मुकेश बावना, सिकंदर पसरीचा, दैनिक सवेरा टीवी, अमृतसर। मियां मुराद अली जी, खुदा दे घर देर है अंधेर नहीं, हर समस्या दा समाधान। समस्या जिवें लव मैरिज, वशीकरण, किता कराया, लॉटरी नंबर होवे या लोटो मैक्स 649। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं मियां मुराद अली जी से मिली, जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। पहला मेरा लव मैरिज नूं लैके कोई भी काम नहीं बन रहा सी, बहुत जगह ते धक्के खाए। फिर बाद विच मैनूं किसे ने मियां मुराद जी अली बारे दस्सिया ते अज देखो मैं अपने वैवाहिक जीवन दे विच बहुत खुश हां। कारोबार एकदम ठप हो गया सी, असी बड़े औखे हो गए। फिर सानूं किसी ने मियां मोहम्मद अली जी बारे दस्सिया, उन्हां ने साडी समस्या दा चंगी तरह जुड़ो निपटारा कर दिता। हुण असी बहुत खुश। हुणे कॉल करो 98417 18786, 97797 24075।